समाज में धर्म के झगड़े चल रहे हैं, हमको क्लासरूम में बैठ के सेटल करना पड़ेगा कि ये बच्चा जब जाए तो उन धार्मिक झगड़ों में शामिल ना हो पाए। इवन को इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करे तो उसको क्लैरिटी है, उसको इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे भी कोई ऐसा मटेरियल मिले तो उसको क्लैरिटी रहे, नहीं नहीं आई हैव अंडरस्टूड इट, दिस इज रविश, दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर। धर्म के जाति के झगड़े हैं, क्षेत्रवाद के झगड़े हैं, क्रिटिकल नहीं है, 5000 साल पहले जिसने कुछ कह दिया उसी को माने बैठे हैं। नया करने की क्षमता पैदा नहीं हो रही है हमारे बच्चों में। आप देखिए कितने बच्चे हैं जो नया पैदा कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, रिस्क ले, क्योंकि नया करने के लिए रिस्क चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, और रिस्क लेने की क्षमता हम लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं बच्चों में, क्योंकि हम जब पैदा कर पाएंगे तो हमारी क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चों में से कम 38 के बीच होनी चाहिए। अभी तो 38 में से 40 में से 2 के बीच है, उसके बहुत सारे और संयोग कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब क्लासरूम से रिवॉल्यूशन से पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, नया करने की जिजीर्षा पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी, तो वो 40 में से 38 बच्चों की में पैदा होगी कम से कम। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, एक नेशन जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, एक सोसाइटी जो अपने आप में अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने थॉट्स के प्रति क्रिटिकल, अपनी कन्वेंशंस के प्रति क्रिटिकल नहीं है, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था शून्य है, शून्य की खोज की उसने किया, और हमने 1500 साल क्या किया, हमने 1500 साल गाना गाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, हमने गाना गाया, और उसी शून्य का 1500 साल पहले जिस हिंदुस्तान ने शून्य का आविष्कार किया उसी शून्य का इस्तेमाल अमेरिका यूरोप के साइंटिस्ट ने करके पूरा साइबर वर्ल्ड उस शून्य में खड़ा कर दिया। हम गाना गाते रह गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, उन्होंने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया। आज वो ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हम अपने लड़के लड़कियां नौकरी करने भेजते हैं उनके यहां पे, और हम कहते हैं कि हम तो बहुत महान देश थे पहले से, हम अच्छे, अच्छा हमने किया है, काफी कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी एजुकेटर मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन की आज तक की बहुत अचीवमेंट है। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा होकर इस मंच से बोल पा रहा हूं और आप में से कोई इस बात को लेकर क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ये जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां कर रहा है इसका धर्म और जाति क्या है, वो एजुकेशन की अचीवमेंट है आज हमारे यहां। आज आपके सामने कोई आदमी इंटरनेट यूज करता है और आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं उठता, मतलब आपके माने समाज के मन में, समाज में किसी के मन में ये सवाल नहीं उठता है कि इंटरनेट यूज करने वाले की जाति क्या है, जरा पूछ के तो देख लें इस जाति के लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंटरनेट यूज करने की, आज ये क्वेश्चन नहीं बचा है समाज में, वो एजुकेशन की वजह से है। 500 साल पहले गुलाम खरीदना और रखना या गुलाम की तरह बिकना समाज की स्वीकृति में था, आज कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है अपने सामने किसी गुलाम को बिकते हुए देखकर। खुद के लिए गुलाम होकर बिकना या खुद के लिए गुलाम खरीदना तो अलग छोड़ दीजिए, यह एजुकेशन की अचीवमेंट है, लेकिन जहां नहीं पहुंचे वहां का चर्चा करना जरूरी है। जो छूट गया एजुकेशन से वो बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत स्लो है। इसीलिए मैंने कहा हम अतीत के गुणगान में बहुत लग गए हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अतीत का गुणगान बहुत करते हैं। हमारे यहां आर्यभट्ट हुए थे, अरे सर जी आर्यभट्ट हुए थे उसके बाद हमने क्या किया, आर्यभट्ट तो होके चले गए। मुझे कई बार लगता है कि अगर आइंस्टाइन हिंदुस्तान में पैदा हुए थे तो हिमालय में एक मंदिर बना देते हम लोग उसका, और समझा रहे होते अपने बच्चों को 14 कोस की परिक्रमा है, सीधे चले जाओगे पेट के बल लेट के जाओगे तो जल्दी साइंस समझ में आ जाएगी, पैदल जाओगे तो इतने दिन लगेंगे साइंस समझने में, हेलीकॉप्टर से चले गए तो इतने दिन लगेंगे साइंस समझने में। मैं किसी धर्म और किसी मान्यता का अपमान नहीं करना चाहता हूं, उनकी सबकी एक साइंस है, हमने अपनी साइंस के चक्कर में वो साइंस भी खो गई। हम सिर्फ 40 रट रहे हैं, आइंस्टाइन 40, आर्यभट्ट 40, और हम 40 का देश बन गए। हम नया सोचने की क्षमता खत्म कर दी है। तो मैं इस सभा के माध्यम से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा स्वार्थ मुझे यहां पे खींच के लाया है, और मेरा वो स्वार्थ है साथियों, मेरा एक सपना है कि इस देश की पॉलिटिक्स में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने, इस देश की सोच में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने। मैं एक ऐसे दिन का सपना देख रहा हूं कि हमने बड़े बड़े तरह के इलेक्शन देखे हैं, हम आ गए तो गरीबी हटा देंगे, हम हटा गए तो हिंदुओं को राज दे देंगे, हम आ गए तो मुसलमानों को राज दे देंगे, हम आ गए तो सिख इनका ये कर देंगे उनका ये कर देंगे। हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग रीजनल विजावी नेशनल इलेक्शन में अलग अलग मुद्दे देखे हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में इस बात पर डिबेट हो और पॉलिटिकल पार्टीज आके खड़ी हों और कहें कि अगर हम आ गए तो हम एजुकेशन को यहां लाके खड़ा करेंगे, उस पर इलेक्शन लड़े जाएं। गलत सपना तो नहीं देख रहा जी?